हमने एक ये मकसद बनाया था कि मल्टीपल पॉइंट्स को हम ब्यूटीफाई करेंगे, वहाँ से उन पॉइंट्स को, गार्बेज को, कूड़ा को परमानेंट हटाकर वहाँ पर हम पेड़ पौधे और गमले लगाएंगे। और कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, वल्नरेबल पॉइंट्स, जो ढलाव की कमी की वजह से हटाने पॉसिबल नहीं हो पाए, तो उसके लिए भी हमने निर्देश जारी किए थे कि ऐसे पॉइंट्स में या तो फेंसिंग कर दी जाए, बैरिकेटिंग कर दी जाए, या कंसेशनर जो एजेंसी वहाँ से कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ लगा दे कि लोग वहाँ पे तरीके से कूड़ा फेंके, पूरे सड़क पे फैले नहीं। साथ ही ऐसे पॉइंट्स में हमने बिन्स को इंस्टॉल कर दिया था, जो बड़े बड़े डस्टबिन या हम जिसको किस्ती वाले बिन्स कहते हैं, ताकि जो पूरा कूड़ा है वो स्पिल ओवर ना हो सड़क पर। और अब इन सभी जोन्स में से लगभग 50% हम इन वल्नरेबल पॉइंट्स को खत्म कर चुके हैं, जो मुझे लगता है MCD नगर निगम की, अधिकारियों की, पार्षदों की, विधायकों की, सभी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो जगह जगह हमें छोटे छोटे कूड़े के पहाड़ दिखते थे, अब गली कूचे में वो देखने को नहीं मिल रहे। तो 50% हम इन कूड़े के जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उनको खत्म कर चुके हैं, और जो बचे हुए 50% जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उनको दिवाली से पहले खत्म करने के निर्देश दे दिए हैं। छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।